बहुत तेजी से देख रही है. देर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेटअप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर स्टेट बॉर्डर एंड ऑन द नोड्स फ्रॉम वेयर सम काइंड ऑफ इरेगुलर इलीगल गुड्स कैन मूव अक्रॉस द स्टेट्स. इन सम इंटरनेशनल बॉर्डर्स देर इज ऑल्सो ए ड्रोन बेस्ड चेकिंग विच विल हैपन. वी आर फुल्ली कमिटेड दैट हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए. हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले. और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नॉट बिलो. ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें. किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे. बहुत सारे स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे. डबल बोटिंग इम्पर्सोनेशन की भी शिकायत आती है. बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्पर्सोनेशन के केसेस आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें. साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं. चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है. राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए. ओनली पीस इज एवर लास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग. वी विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल कैंडिडेट्स, दैट दे मस्ट बी वेरी 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 कॉशियस ऑफ दिस पॉइंट. विल बी रूथलेस इफ एनी वेयर द वायलेंस हैपन्स. सिमिलरली कमिंग टू द मनी, आप जानते हैं मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग टू यू फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ अवर आउटकम्स. 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में. एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई. टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर. ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसे धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है. हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं. वी आर अवेयर फुल्ली that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money hum nahi hone denge. इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है. दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत. क्या कहा है उनको? उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लीकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बटने की शिकायतें आती हैं उसको 100% रोकें. रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें. सो हुम हैव वी डायरेक्टेड? जीएसटी, एक्साइज, स्टेट पुलिस, ऑल एजेंसीज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड्स, बीएसएफ, एसएसबी, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है. जीएसटी वुड बी डूइंग द ईवे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the chests. So, national NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. Digital payments se to paisa nahi ja raha, ek do state mein aisa bhi dekhne mein aaya tha.
कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये. ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट. बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ दीज सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स विच दे हैव. ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री वुड बी चेक्ड रेगुलरली बाई द डेडिकेटेड टीम्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट थ्रू द एयर स्ट्रिप्स. और जहां जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कॉमर्शियल के अतिरिक्त हैं, जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं, वी हैव आस्क्ड एंड वी हैव गॉट एक्चुअली द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन और सिक्योरिटी टू इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शन, एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द BCS, ऑलमोस्ट इक्वल टू द कमर्शियल एयरपोर्ट्स चेकिंग होगी. रेलवेज, RPF, GRP, both will be simultaneously, continuously looking at roads. So, cash or money, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, political finance in any case is a thing which is in news these days. So, this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. Jitna hum youth, women, voters ko apne paas lane ki koshish karte hain, us medium ko use karte hain. We are also conscious that on social media, in democracy, there is a full freedom to criticize anybody, including criticizing us. Why not? If we are doing wrong, criticize us. But you should not be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं. तो हमने सबको instructions दी हैं, किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया. ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी. मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में. तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो. उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहे. इसमें क्या करेंगे, Under Section 69 and 79(3) of the IT Act, authorized authority of each state is empowered to ask for takedown of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means, ye myth phailaya ja raha hai, ye uski reality hai. Hum apni taraf se aage badhke aapko educate karenge ki ye uski reality hai. Aur social media ke bare mein aap sabse bhi ek appeal hai कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं. नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम. चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है
चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्पटिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की है, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। एडवाइजरी इशू किए हैं जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वॉयलेशंस होते रहे हैं, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24। सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आर ग्राउंड्स एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट। वी हैव सेट, वी आर पुटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस, मीन्स we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties ke jitne bhi bade netagan star campaigners hain jo campaigning karenge unke vyaktigat notice mein hamari guidelines le aaiye, ye zimmedari humne political parties ko di hai. So now what is happening, we have put them on notice and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking you issued so many notices last time, did nothing, you left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond, and here we have said we will also look at the past, we'll also look at the history, we might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be jo MCC violations kis prakar ki ho sakti hain. I mean, statements which should inspire rather than divide. Issue-based campaign ho, hate speeches, religious speeches, private life ka criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. Isme humne editors ko bhi advisory issue ki hai. वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर, अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि एडवर्टाइजमेंट है, लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट। वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज, नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन टू गो बियॉन्ड एडवाइजरीज, टेक कंक्रीट एक्शन फॉर विच इन द एडवाइजरीज देर आर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट्स विच आर ऑल्सो इन बिल्ड। सो नोटिस इज देयर, नॉलेज इज देयर, सेक्शंस आर देयर। सो प्लीज आर रिक्वेस्ट इज कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। प्लीज बी सिविलाइज ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस इज वॉट इज आर एडवाइस। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को हमने कदम उठाए हैं। ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस। क्या किया है, अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस। वो क्या करती थी, किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग दी पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट दी जेन्यून पर्सन। सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन डन। सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा, डायरेक्शंस दे दिए, इट इज स्टार्टेड कमिंग। तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग। प्लम्पटिंग लेवल आई हैव ऑलरेडी सेड,
We have also asked the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए. विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इफ एनीबडी डज दैट. वी आर ऑल्सो गिविंग एडवाइजरीज टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स विद इन योर पार्टी विद इन द पैरामीटर्स एंड इन ए राइट फॉर्म. फ्रेंड्स, वी आर अपॉइंटिंग 2100 ऑब्जर्वर्स. जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीज को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे. हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है. और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटीमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे. फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में, उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज्ड हो. ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है. दे विल बी रेंडमाइजिंग द फोर्स. एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रेंडमाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर्स. नाउ हैविंग डन ऑल दिस, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे. सो लेट मी शो यू दिस, व्हाट इज आर एफर्ट, व्हाट इज आर एंडेवर. एज ए लास्ट स्लाइड लेट मी शेल यू, देर आर रिड्यूस्ड रीपोल्स, दैट इज व्हाट वी आर एंडेवरिंग. जीरो वायलेंस, दैट्स व्हाट वी आर एंडेवरिंग. नो इंड्यूसमेंट्स, इस पे कार्य हो. फेक न्यूज कर्व की जाए. कैंपेनिंग क्लटर और बदमिजाजी कम हो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े. जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़ के अधिक से अधिक पहुंचे. विद दिस आई वुड लाइक टू इन द एंड अपील टू द वोटर्स दैट इलेक्शंस बिलोंग टू यू. बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है. वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू. प्लीज कम एंड वोट. पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है. इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें. उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो वील बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती. अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे. वील बी रूथलेस. एंड लास्टली my appeal to the political parties again, we are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. rajneetik dalon ko bahut personal attacks se bachna chahiye. fir mujhe badar sahab ka ek sher yaad aata hai, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है. तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और फिर कुछ ना हो सके. विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस.